हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। पत्र के जो पत्र वाला पोर्शन है, पत्र लेखन, उसमें एक टॉपिक है, इसका नाम है टिप्पण। सिलेबस में आपने देखा भी होगा और इंग्लिश में इसको कहते हैं नोटिंग। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिप्पण और प्रतिवेदन। ठीक है, टिप्पण, प्रतिवेदन और सारणी रूप, ये समीक्षा अधिकारी परीक्षा में स्पेशली रखे गए हैं। ठीक है, ये पीसेस में भी नहीं है और लोअर पीसेस वगैरह होता है वहां पर भी नहीं है। ये टिप्पण, प्रतिवेदन और सारणी रूप, ये तीन टॉपिक जो पत्र के अंतर्गत है, ये समीक्षा अधिकारी में स्पेशल रूप से रखे गए हैं, क्योंकि समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों का काम इससे बहुत ज्यादा बढ़ता है। टिप्पण यानी कि नोटिंग करनी होती है, प्रतिवेदन देना होता है या टेबुलर फॉर्म सारणी रूप बनाना होता है, इसलिए इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में उपलब्ध होगी, वहां से आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा। अभी आरोग्य विधान परिषद की जो वैकेंसी आई थी, उसकी परीक्षा 22 नवंबर को होने वाली है। आपको पता होगा कि नोटिस आ चुका है, मैंने आपको सूचना भी दी थी कि 22 नवंबर को विधान परिषद के लिए जो समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव और अन्य पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी, उसके लिए 22 नवंबर को एग्जाम होना है। उसके लिए टेस्ट सीरीज आज से नहीं बल्कि 7 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज चल रही है लगातार, जिसमें आपको 10 सीरीज आपको मिलेंगी सामान्य अध्ययन और हिंदी की, 7 सीरीज आपको मिलेंगी यानी कि 700 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे, और 500 क्वेश्चन यानी कि 5 सीरीज आपको यूपी स्पेशल और यूपी करंट अफेयर्स की मिलेंगे। हालांकि यूपी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि जब यूपी की परीक्षा है तो 2-4 प्रश्न तो बनते ही हैं, कहीं ना कहीं रख दिए जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर वो जो यूपी स्पेशल की सीरीज है वो अन्य परीक्षाओं में भी काम आएगी। ठीक है, तो उसके लिए सीरीज प्रारंभ हो चुकी है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की प्रक्रिया है 8423291094 84-23-29-10-94, इस नंबर पर आपको ज्वाइन लिखकर के व्हाट्सएप कर देना है, जहां पर आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे आप सीरीज में ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी ओर, समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए भी अलग अलग सेपरेट बैच चल रहे हैं, जहां पर आकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी विधिवत रूप से तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको सारा मैटर पीडीएफ और वीडियो ग्रुप में मिलेगा, आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपने कहां पर कमी की है और क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो गद्यांश हो, पत्र लेखन हो, कुछ भी हो, आपको पूरा परामर्श दिया जाएगा, पूरी सलाह दी जाएगी कि आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी में जो जीएस है सामान्य अध्ययन, वो पहली बार लिखित हो रहा है, बड़ा ट्रिकी है, उसको कैसे किया जाए, तो उसके भी हल प्रश्न पत्र और अनशोल्ड पेपर दिए जा रहे हैं, जिनको आपको हल करना है और प्रैक्टिस करना है, और देखेंगे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से हो सकता है कि डायरेक्ट रखे हुए मिल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों को ज्वाइन करने की प्रक्रिया सेम है, 84-23-29-10-94-84-23-29-10-94 इस पर ज्वाइन लेकर के भेज देना है जिस भी परीक्षा के लिए, तो फिर आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टिप्पण। तो देखिए, टिप्पण क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, और क्यों लिखा जाता है और कौन लिखता है। ठीक है, सपोज मान लो कि आप एक समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, या आप जो है इससे बड़े अधिकारी है। ठीक है, और आपके विभाग में या आपके कार्यालय में एक कोई मामला विचाराधीन है, उस पर कई सारे पत्र आए हुए हैं। ठीक है, अब जो उच्च अधिकारी होता है, जो बड़ा अधिकारी होता है, उसके पास उन सारे पत्रों का पढ़ने का और कंक्लूजन निकालने का समय नहीं होता है। तो जो उससे निचले स्तर के अधिकारी होते हैं, वो सब पत्रों को पढ़ते हैं और उन पत्रों को पढ़ करके जो भी मामला है और जैसा पत्र आया है, जो भी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, तो उसके आधार पर वो अपने स्तर पर क्या सुझाव दे सकते हैं, जो भी सुझाव देना होगा, परामर्श देना होगा, तो वो उस पर टिप्पण लिख देते हैं, नोटिंग यानी कि नोट कर देते हैं, पत्र पर नोट कर देते हैं कि मेरे हिसाब से इस मामले को ऐसे निपटाया जाना चाहिए या मेरे हिसाब से इस मामले में ये होना चाहिए। ठीक है,
तो जो अधिकारी हैं वो भी टिप्पणी करते हैं, जो कुछ कर्मचारी हैं ठीक है या फिर जो भी और संबद्ध अधिकारी होते हैं वो सब अपने अपने स्तर पर उस पत्र पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है, चूंकि ये सब बातें काफी ज्यादा लिखी जाती हैं तो उस पत्र में उतनी जगह नहीं होती है, तो पत्र के साथ कुछ ब्लैंक कागज सादा कागज संलग्न कर दिए जाते हैं, तो उन पर जो है टिप्पणियां लिखी जाती हैं, नोटिंग लिखा जाता है कि इस मामले को इस प्रकार निपटाया जा सकता है, हमारी तरफ से इस मामले को निपटाने के लिए ये सुझाव है या हमारा ये विचार है, अगर इस तरीके से इस काम को किया जाए तो शायद ये मामला निस्तारित हो सकता है। जब सभी अधिकारी कर्मचारी अपने अपने सुझाव दे देते हैं, नोटिंग कर देते हैं, तो वो सारी नोटिंग जाती है जो बड़ा अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी होता है, उसके पास जाता है। ठीक है, उसके पास जाता तो सबकी टिप्पणियां पढ़ता है कि हमारे अधीनस्थ अधिकारी ने कर्मचारी ने जो भी थे, समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी सचिव या जो भी अनुसचिव जो भी थे, जिसने जो टिप्पणियां लिखी थी उनको सबको पढ़ता है और उनको पढ़ करके पत्र को पढ़ करके उसके आधार पर उस मामले में अपना एक निर्णय लेता है कि किस प्रकार इस मामले को निपटाया जा सकता है या निस्तारित किया जा सकता है। अब मान लो अगर ये टिप्पणियां ना लिखी होती तो उस अधिकारी को मतलब काफी होमवर्क करना पड़ता, काफी मेहनत करनी पड़ती, काफी सोच विचार करना पड़ता। ठीक है, जैसे कहते हैं ना मतलब कि अगर चार लोग अपना दिमाग लगाए किसी बात पर तो मामला अच्छे से निपट जाता है ना, अगर कोई व्यक्ति अकेला दिमाग लगाता है तो हो सकता है कि वो मामला उतने अच्छे से ना निपट पाए। ठीक है, तो इसलिए सबका उसमें विचार ले लिया जाता है, सबकी परामर्श और राय ले ली जाती है कि कौन क्या चाहता है, इसके आधार पर जो उच्च अधिकारी होता है वो है उसको निपटाता है और अपने हिसाब से उस मामले में अपना निर्णय देता है और उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये टिप्पण लिखा जाता है, नोटिंग की जाती है पत्रों पर। ठीक है, परिभाषा पहले समझते हैं इसकी। हम अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द नोटिंग नोटिंग का हिंदी अर्थ टिप्पण कहलाता है। ठीक है, जो परिभाषा लिखी है हूबहू परिभाषा आप परीक्षा में लिखेंगे। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ना ही कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है, परिभाषा या फिर विशेषताएं या इसके प्रकार जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कोई नहीं पूछा जाता है, तो टिप्पण कहलाता है। सरकारी विभागों या कार्यालयों में किसी विचाराधीन मामले या प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर आदेश निर्देश या निर्णय दिया जाता है वो है टिप्पण कहलाता है। ठीक है, अब कोई बड़ा अधिकारी है तो आदेश भी दे सकता है, छोटा है आदेश निर्देश दे सकता है, और कोई मतलब और भी अधिकारी है तो उस पर अपना निर्णय दे सकता है। तो जो भी आदेश और निर्देश या निर्णय दिए जाते हैं वो किसी विचाराधीन मामले को निपटाने के लिए दिए जाते हैं। टिप्पण का उद्देश्य मामले को नियमानुसार निस्तारित करना होता है। ठीक है, जो भी नियम है उस विभाग के उस कार्यालय के मंत्रालय जो भी नियम है उन्हीं नियमों के अनुसार उसको निपटाना है हमें। इस प्रक्रिया में कभी कभी सुझाव आदि भी दिए जाते हैं। ठीक है, यानी जो जो बड़ा अधिकारी है वो तो आदेश निर्देश दे सकता है, लेकिन छोटा अधिकारी है वो सिर्फ सुझाव दे सकता है कि सर अगर ऐसा किया जाए तो अच्छा होगा। इन सुझावों और निर्देशों को सूचनाओं अथवा पदों नियमों एवं तर्कों द्वारा पुष्ट किया जाता है। संबंधित अधिकारी को इससे अंतिम निर्णय लेने में सरलता एवं सुविधा होती है। अब जो भी आदेश निर्देश या सुझाव दिए गए हैं उनको पदों नियमों और तर्कों के आधार पर पुष्ट किया जाता है, देखा जाता है कि जो भी सुझाव दिए गए निर्देश दिए गए हैं क्या वो सही हैं, क्या उनके आधार पर इस मामले को निस्तारित किया जा सकता है। तो जब सब कुछ ये हो जाता है तब जाकर के जो उच्च अधिकारी है वो अपना निर्णय लेता है और इन सारी चीजों से उसको सरलता होती है और वो अच्छा निर्णय लेने में सक्षम हो पाता है, इसलिए लिखा जाता है टिप्पण। ठीक है, जब आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो टिप्पण तटस्थ भाव से अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई वो मतलब हीला वाली नहीं है, एकदम से स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है, जो भी लिखना हो खुले मन से बोलिए। ठीक है, टिप्पण यथासंभव संक्षिप्त एवं सुस्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ गोल मेल ना, मतलब कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ लिख रहे हो, अर्थ कुछ निकल रहा है, ऐसा नहीं हो। जो भी कहना है साफ साफ शब्दों में और कम शब्दों में उसको लिख देना है। ठीक है, टिप्पण का टिप्पण मूल पत्र पर नहीं लिखा जाता है, उसके लिए किसी अन्य कागज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पत्र ही है, उस पर अगर सब लोग लिखेंगे तो बड़ा घोंच घोंच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि किसने क्या लिखा है, तो किसी अन्य कागज को उसमें उसके साथ नक्की कर दिया जाता है और उस पर सब लोग अपना अपना नोटिंग कर देते हैं, टिप्पण लिख देते हैं। टिप्पण की भाषा
संयत, सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। एकदम से आसान सरल भाषा हो, स्पष्ट हो, ताकि जो संबंधित अधिकारी है उसको समझने में और पढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो एकदम से स्पष्ट, शुद्ध और संयत भाषा में लिखा जाना चाहिए। ये कुछ विशेषताएं इसकी। और टिप्पण के प्रकार या भेद, ठीक है। तो टिप्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, अधिकारी द्वारा टिप्पण, संबद्ध लिपिकों द्वारा टिप्पण और वित्तीय टिप्पणियां, ठीक है। दोस्तों ये टिप्पण वाला टॉपिक है ना, या जितनी भी किताबों में देखेंगे आपको हर जगह डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने जो कंटेंट निकाला है, जो आपको पीडीएफ दी गई है, बड़े मुश्किल से मैंने तैयार किया है, ठीक है। और इस पर आप कोई किसी प्रकार का कोई टिप्पण ना करें या कमेंट ना करें, ठीक है। मेरा यही बेस्ट है, ठीक है, इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता था, ये मेरा बेस्ट है और मैंने भी अपनी परीक्षा में इसी को लिखा था, ठीक है। तो किस किताब में क्या लिखा है मुझे इससे नहीं मतलब है, मैंने सारी चीजों को, सारी किताबों को कंपाइल करके और अपने अनुभव के आधार पर या अन्य लोगों के परामर्श के आधार पर इस कंटेंट को तैयार किया है, ठीक है। तो यही आपको परीक्षा में लिखना है। अब अधिकारी द्वारा क्या टिप्पण किया जाता है, इसके कुछ पॉइंट्स है, पांच छह, इसमें हर एक में पांच छह सात पॉइंट है, तो वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे कि अधिकारी द्वारा टिप्पण क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। संबद्ध लिपिक कौन कौन सा टिप्पण कर सकते हैं, किस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार के टिप्पण कर सकते हैं, और वित्तीय टिप्पणियां यानी कि किस प्रकार की वित्तीय टिप्पणियां उस पर की जानी चाहिए। तो इनके अंदर भी पांच पांच छह छह पॉइंट हैं जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। इतना ही कुल मिलाकर कंटेंट है, इसके अंदर और थोड़ा लिखा हुआ है, ये आपको याद कर लेना है, हूबहू जाके परीक्षा में सेम टू सेम लिख देना है अगर ये टॉपिक या सवाल ये पूछा जाता है, ठीक है। आप परेशान हो जाएंगे, ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, लेकिन आपको इतना सरल, आसान और स्पष्ट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसी पर ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए और परीक्षा में आराम से लिख करके आइए, ठीक है। प्रतिवेदन आपका बचा हुआ पत्र में, तो वो भी आपका हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे, इस प्रकार आपके पत्र हो जाएंगे सारे समाप्त, ठीक है। और जो बैच चल रहा है उसमें अब हम लोग इसके बाद जो है निबंध भी, चूंकि लगभग काफी आधे लगभग हो चुके हैं, आधे और बचे हैं, ठीक है, और फिर हम लोग गद्यांश पर जल्दी ही काम करने वाले हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। और जो भी वहां पर मैंने आपको कमिट किया था कि 25 नवंबर तक आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो वो 25 तक आपका हो जाएगा। इसके बाद हम आपकी कराएंगे आंसर राइटिंग, पत्र लेखन की, निबंध की और गद्यांश की, ठीक है। और पूरा आपको अनसोल्ड पेपर भी मिलेगा, पांच पेपर आपको निबंध के अनसोल्ड देंगे, वो आपको लिखने होंगे, पांच पेपर आपको हम हिंदी आलेखन के देंगे, वो भी आपको हल करके मुझे भेजने होंगे। इस प्रकार से हम पूरी हिंदी और निबंध की विधिवत रूप से तैयारी करेंगे। साथ ही जो मैंने आपको कहा था कि 10 सीरीज आपको समान अध्ययन की मिलेंगी और 10 सीरीज आपको मिलेंगी हिंदी ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है उसकी, ठीक है, तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस प्रकार से पूरा मेटेरियल आपके पास होगा, आपको रिविजन करना है, पढ़ना है और उसको लिख लिख करके याद करना है, ताकि परीक्षा में आप लिख पाए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।